क्या गाइस, आप जानते हो आप इस वीडियो को जिस कपड़े पहनकर देख रहे हो शायद से वो बांग्लादेश से एक्सपोर्ट किया गया हो, या फिर आपके फैमिली में जितना भी कपड़ा है उसका अगर चार भाग किया जाए तो उसमें एक भाग शायद बांग्लादेश से एक्सपोर्ट किया गया हो। मतलब आप सोचकर हैरान हो जाओगे कि बांग्लादेश में इतना कपड़ा प्रोड्यूस किया जाता है, तकरीबन 5 से 6 लाख कपड़े एक दिन में प्रोड्यूस किया जाता है गोटा बांग्लादेश में फैक्ट्री को मिला लिया, कि इससे भी ज्यादा हो सकता है अगर चीपेस्ट जो जैकेट या ड्रेस जो वगैरह होता है। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, टेक्सटाइल के बारे में, कि कैसे वो बांग्लादेश जीरो से हीरो बना। एक वक्त था 1947 में जहां पर उनको बहुत ही लॉस हो रहा था टेक्सटाइल में और वो बहुत नीचे तक था, लेकिन आज के लेवल पे 2023 में वो ग्लोबली रैंक कर गया है, मतलब एक पोजीशन में है और बहुत ही जल्दी चाइना को भी पीछे छोड़ने वाला है। तो हम बात करने वाले हैं कि कैसे बांग्लादेश जीरो से हीरो बना टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो उससे, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए मैं कौन हूँ। मेरा नाम है अपूर्व चक्रवर्ती एंड मैं आपके लिए ऐसे एक्सपोजिंग एंड एक्सप्लेन वीडियो लेकर आता हूँ। तो आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन गाइस पहले आप इस वीडियो को जरा देख लीजिए। 20 टका मामा, ओ भाई साहब ये 20 रुपए का बोल रहे हैं यार, 20 टका एटा यार, 20 रुपए कपड़े दुपट्टा, शिट मैन, दुपट्टा इन क्रेजी 10 to 15 rupees यार, क्रेजी यहाँ पे 20-20 रुपए कपड़े मिल रहे हैं यार, मैंने लाइफ में कभी इतने सस्ते कपड़े नहीं देखे, यहाँ पे देख सकते 60 टका। वाह वाह, तो टी शर्ट यहाँ पे 60 टका का मिल रहे हैं बोल रहे हैं, तो फिर 60 टका कन्वर्ट करेंगे तो 30-40 रुपए इस वीडियो को देख लिया है। तो वीडियो को देख लेने के बाद आप सही पकड़े हैं, हाँ ये दाम सही है, मतलब वहाँ पर बांग्लादेश में ये 20 रुपया है और अगर इसको इंडिया की करेंसी में अगर ये करोगे मतलब ट्रांसफॉर्म करोगे तो ये 10 से 15 रुपए में आ जाएगा, 10 से 15 रुपए में एक शर्ट। सोच सकते हो गाइस हमारे यहाँ में सबसे लोएस्ट कितने प्राइस में मिल सकता है, तकरीबन 200 से 250 रुपए, उससे कम तो नहीं हो सकता, यहाँ पर 10 से 15 रुपए में मिल जाएगा। और जो 60 रुपए का जो टी शर्ट देखा आपने वो 30 से 40 रुपए में आ जाएगा, हाँ गाइस 30 से 40 रुपए में। तो इतना चीपेस्ट वो बना सकता है कैसे, तो वो हम बात करने वाले हैं। पहले आप ये सुन लो गाइस कि गारमेंट इंडस्ट्री में जो वो ग्लोबली मतलब ग्रो कर रहा है ना, वो 35% से ग्रो कर रहा है, जो उसका जीडीपी का 80% कंट्रीब्यूट करता है। हाँ, बांग्लादेश का जो जीडीपी है ना 80% इस टेक्सटाइल से कंट्रीब्यूट होता है। और ये जो है ना 2030 साल तक मतलब बांग्लादेश की जो सरकार है उनका विजन है कि $100 बिलियन तक बना देने का, $100 बिलियन वो भी 2030 साल के अंदर में। जो हमारा बांग्लादेश मतलब हमारा देश का जो बेंगलोर है, पुणे है, जो आईटी हब है, उसका डबल है, उसका डबल इसका जो है विजन है। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प करने वाली बात है, जो एलईडी एक संस्था है, एलईडी संस्था ये दावा करता है कि ये बांग्लादेश सबसे क्वालिटी की जो कपड़े है ना वो प्रोड्यूस करता है और ग्लोबली रैंक में भी शायद बहुत ऊपर में है, इसलिए उसने 104 रैंक दिया है आउट ऑफ 100। दुनिया का 60% प्रोड्यूस करता है अकेला इस बांग्लादेश, दुनिया का 60%, समझ सकते हो गाइस। चाइना को बहुत ही जल्द पीछे छोड़ने वाले क्योंकि चाइना 21% प्रोड्यूस करता है। और उससे भी बड़ा कि जो मतलब बांग्लादेश का जो कपड़ा ना अभी से पॉपुलर नहीं हुआ, बहुत साल पहले जब वो इंडिया में अंदर था तब भी बहुत फेमस था ढाका मसलिन के नाम से, शायद आप बहुत सारे लोग इसका नाम भी सुने होंगे, ये बहुत प्रसिद्ध नाम है। उससे बाद इसका मतलब इतना क्वालिटी और इतना अच्छा कपड़ा था कि आप समझ कर सकते जब 50 मीटर का कपड़ा एक मैचेस बॉक्स में अंदर आ सकता है, हाँ एक मैचेस के बॉक्स इतना जो होता है ना इसके अंदर आ सकता है एक 50 मीटर का कपड़ा, तब समझ लीजिए कितना क्वालिटी और मुलायम कपड़ा होता है। तो पहले बांग्लादेश इतना ज्यादा मतलब इसमें इस फील्ड में अच्छा नहीं था, यहाँ जबकि इंडिया में ये प्रचुर था, मतलब इंडिया में जब था तब भी इतना ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हो पाया, लेकिन 1210 में हमारा जो इंडिया का जब तब जो सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो इराक से उनको उसके जो पौधे है ना कटन का उसका कल्चर करने के लिए वो इराक से यहाँ पर इंडिया में भेजा था, जिसको हमारा तब जब इंडिया में बंगाल था उस बंगाल में ढाका जो शहर है उसका जो राजधानी है उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, बहुत अच्छे तरह उसके पीढ़ी से पीढ़ी इसको बहुत से अच्छे तरह से इस पद्धति को अपनाया और इसको मनाया ढाका मसलिन को, जो अब दुनिया में प्रसिद्ध है। अब समझ चले कि ये इतना प्रसिद्ध हो गया था तब के समय में जब मतलब इन जब ब्रिटिश के कल्चर में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया था, मतलब जो कारखाना फैक्ट्री वो नहीं आया था, तब उनका जो लोकल
कल्चर है कपड़े का वो संकट में आ जाएगा, इसलिए उन्होंने प्रोपेगंडा इतना बढ़ गया था कि जो लोग ढाका के साड़ी मतलब हमारा जो कटन है ढाका का कटन पहनकर जो भी बाहर निकलता ना उनके ऊपर एसिड अटैक होने लगता। तो आप बात करने वाले है कि ये बांग्लादेश में इतना ऊपर क्यों है, बेनिफिट क्या है? इसका दो बेनिफिट है शायद मेरा विजन में जो लगता है। एक ये कि यहाँ पर लेबर कॉस्ट बहुत ही कम है, इतना कम कि चाइना से भी ये लेबर कॉस्ट में मार देता है, कम है। मतलब एक पॉपुलर वीडियो मतलब किस दिन वायरल हुआ था, एक लड़की बोल रही थी बांग्लादेश में जो कि सिर्फ 12 साल की है और वो दिन में एक दिन में 400 तक पैंट को सिलाई करते हैं, मतलब सिल करता है और उसके लिए उसको मिलता है सिर्फ $1। मतलब हमारे इंडिया करेंसी में करे तो 82 रुपया और उनके ऊपर से करे तो 110 रुपीज, ओनली 110 रुपीज मिलता है एक दिन का 400 पैंट सिलाई करने के लिए। तो आप समझ के चलिए कि उनका लेबर कॉस्ट कितना कम है। और उससे भी ज्यादा गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्कीम निकलती है, इतना कि जो इलेक्ट्रिक खर्चा है इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब इलेक्ट्रिक का जो खर्चा ना वो 10% सब्सिडी देता है, बहुत सारा लोन देता है। और जो नए जो फैक्ट्री जो खुलता है ना टेक्सटाइल के लिए उनके लिए तो पहले तो 100% टैक्स मुक्ति है और आस्ते आस्ते उसको टैक्स को थोड़ा सा बढ़ा जाता है 10% 25% ऐसे कर बढ़ाता है वो 10 ईयर तक, जब तक ना वो खुद के पैर पर ना उस फैक्ट्री को खड़ा ना हो जाए। और उनका फैक्ट्री का हालत इतना बुरा है कि मान के चला कि वहां पर कोई मतलब आगुन से निपटने के लिए कोई वहां पर मतलब कोई व्यवस्था नहीं है, हवा प्योरिफाई या उनका जो मतलब ठंड से रहने का ऐसे कोई भी उनका जो मैकेनिज्म है वो नहीं है इस फैक्ट्री में। बहुत ही लिबर मतलब चीपेस्ट फैक्ट्री है और लेकिन कपड़ा बहुत ज्यादा वो प्रोड्यूस करता है। इसके लिए उनके जो और भी जो सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर जो लोन देता है या ट्रांसपोर्ट सेक्टर वहां पर भी बहुत सारे लोग नियोग हो रहा है, इसलिए बांग्लादेश का जो मतलब जो ग्रो है ना वो अचानक से बहुत बढ़ गया, मतलब वो जीरो से आप यूरोप पे आ गया है ग्लोबल किंग में। लेकिन हमारा इंडिया भी कम नहीं है, हर मिलाली मोदी ने जो 2021 का जो एक किया था मैंने इन्वेस्ट किया था उन्होंने 10 करोड़ का इन्वेस्ट किया था टेक्सटाइल में बहुत बढ़ने से, और बांग्लादेश जो इतना ग्रो कर रहा है उससे इंडिया को भी फायदा होता है क्योंकि उनका जो कॉटन है ना 50% कॉटन वो इंडिया से ही बुलाता है जिससे भारत को भी फायदा होता है इसलिए। और भारत भी 10 से 12 बिलियन डॉलर तक इन्वेस्ट कर रहा है एक ही साल में इस टेक्सटाइल में, जैसे भारत भी बहुत ऊपर फाइनेंशियली ग्रो किया जाए। इसलिए तो आज के लिए इतना ही,